हे गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल सलमान भैया। और आज का वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा, बिकॉज आज मैं कुछ भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देने वाला हूँ, जो फैक्ट है। बिकॉज मेरे पास, जैसे आप लोग जानते हैं कि जितने भी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जितने लोगों ने अप्लाई किया है, खासकर सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, यार क्या चल रहा है, मुझे तो अभी तक आई डोंट थिंक कि मैं सोच पाऊँ कि क्या क्या मतलब हो रहा है, कि आखिर क्यों रियल नहीं आ रही है, कि क्यों आखिर हम लोगों के पेशेंस का यहाँ पे इम्तिहान लिया जा रहा है, क्या चाहती है डिपार्टमेंट, क्या नहीं चाहती है, कुछ भी हम लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या मतलब। यार मैं क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ को लेकर कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश की जा रही है, डेट पे डेट, डेट पे डेट। ये तो एक फिल्म की डायलॉग की तरह हो गई है यार, कि डेट पे डेट मिल रहा है कि रिजल्ट आएगी 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 देर, लेकिन भाई मेरे कब आएगी रिजल्ट ये तो बता दो, एक फिर डेट दे दो कि ताकि मैं अपने जो भी ऑडियंस उसको बता पाऊँ कि इस डेट को आप लोग की रिजल्ट आने वाली है। बिकॉज आप लोग मेरी जो वीडियो देखते हो, थंबनेल देखते हो, आप लोग को लगता है चलो वह सलमान भाई अच्छी न्यूज़ देंगे, अच्छी बात बताएंगे। और एक चीज़ और गाइस, मैं आप लोग बता दूँ, थोड़ा यहाँ पे नॉइज़ है, मैं अपने घर पे हूँ तो थोड़ा मैनेज कर लूँगा। ओके, ऑलराइट। तो सलमान भाई अच्छी न्यूज़ देंगे, कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे आप लोग को वैकेंसी को लेकर, मैं जो भी सिविल की रियल को मैं लिस्ट को लेकर। लेकिन यार काफ़ी मैं तहे दिल से ये बात बोल रहा, काफ़ी अफसोस है कि आखिर रियल क्यों नहीं दे रही डिपार्टमेंट। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हम लोग आपसे बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सबको रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग भी चल रहा है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि बहुत से यूट्यूबर भाई लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी लंबे समय से बिजी था, लेकिन अब यहाँ से मैं कंटिन्यू वीडियो अब डालना स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी एक बंदे ने केस किया है 6 तारीख को, लेकिन मैं आप लोग बता दूँ, आप लोग को थोड़ा भी डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, केस कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ ये खली वली है, कुछ नहीं होने वाला है, केस से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आप लोग के वैकेंसी पे। मैं ये बाय मैं आप लोग को पूरा सियोरिटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। बात है रिजल्ट की, तो यार मुझे मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ पता करने की, लेकिन आप लोग भी यू नो देख ही रहे सारे लोग वीडियो के, सारे लोग बात कर रहे हैं विभाग से, विभाग डेट पर डेट दे रही, कोई एक सही क्लू, कोई एक सही लॉजिक नहीं बता रही किस रीजन से रियल नहीं आ रही है। अगर आएगी तो वो भी कुछ तर्क बता दे, कुछ रीजन कोई ऐसा चीज़ बता दे कि समझ में आएगी चलो भाई इस वजह से रिजल्ट नहीं आ रही है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इस सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा, 5 तारीख को आ जाएगी, 6 तारीख को आ जाएगी, अब फिर से न्यूज़ आ रही है कि 10 तारीख के बाद आप लोग की रिजल्ट आ जाएगी, तो देखते हैं कब तक आती है। और काउंसलिंग का जैसे आप लोगों को पता है कि बताया गया था, न्यूज़ में आई थी खबर कि 11 तारीख से सिविल की काउंसलिंग होने वाली, लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि वो काउंसलिंग अब 11 तारीख से होने वाली है। हाँ, ये चीज़ मैं थोड़ा मुझे लग रहा है, इस चीज़ का थोड़ा मुझे ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 10 तारीख के बाद आप लोग के रिजल्ट आने की चांसेस है। और हो सकता है, जैसा पूरा प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, कि छठ के बाद आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट की जाए। और मैं होप करता हूँ, मैं ये विश करता हूँ कि ये इंशाल्लाह ये चीज़ हो और आप लोग की जल्द से जल्द यह सारा पेशेंस ख़त्म हो जाए। और किसका क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन रियल तो यार मेरे भाई दे दो, कि कम से कम जो भी मेरे ऑडियंस है कम से कम मुझे यार गाली ना दे। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर को यार कभी अच्छी न्यूज़ दे दो, लेकिन ये मेरे भाई सच में मेरे पास न्यूज़ ही नहीं कि मैं अच्छा आप लोगों को दूँ। लेकिन बस एक चीज़ मैं बताने के लिए आया था कि अब से मैं यहाँ पे कंटिन्यू रहूँगा, हर एक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। और जो केस वाली बात है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत रहना है, रिजल्ट आप लोग की आएगी। और देखते हैं जैसे वो पता करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पता करने की, तो जैसे कुछ अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता रहूँगा। जब तक के लिए माय ब्रदर गुड बाय, विश यू हेल्थ, विश यू हेल्थ एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।